हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th फिजिक्स और मीडियम हिंदी। तो हिंदी मीडियम के अपन क्लास 11th के फिजिक्स के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और हमारा जो चैप्टर अभी रिसेंटली चल रहा है वो है गति के नियम। तो गति के नियम के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको न्यूटन के गति के तीनों नियम को समझाया, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, और जड़त्व का कॉन्सेप्ट आपको समझाया। अब आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं और आज का टॉपिक हम पढ़ते हैं सबसे पहले आवेग, आवेग इंपल्स। आवेग या इंपल्स क्या होता है? देखो, जैसे हम कल संवेग पढ़े थे, आवेग। गति के नियम के जो टर्मिनोलॉजी है, इसमें जो वर्ड यूज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैकेनिकल फिजिक्स जो आगे हम और पढ़ेंगे डिटेल में, वो सबका बेसिक कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर पर है। इसलिए जितने भी टर्म आपको समझाए जा रहे हैं उनको बहुत सूक्ष्मता से समझने की जरूरत है। संवेग मैंने बताया था पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल, और आवेग क्या होता है? देखिए, सबसे पहले मैं आवेग समझाने से पहले कुछ इसके डेली लाइफ में आपको एग्जाम्पल बता दूँ कि आप सब तो क्रिकेट तो जरूर खेलते होंगे या खेल भी रहे होंगे। तो अब जब बाल को कोई भी फील्डर जब बाल को कैच करता है तो आपने देखा होगा या आप ऐसा करते होंगे, बाल को हम लोग ऐसा पकड़ के हाथ को थोड़ा पीछे खींचते हैं, या आपने देखा होगा कि सर्कस वगैरह देखते हैं तो जो झूले में जिन लोग करतब दिखाते हैं उन लोग लास्ट में नीचे में जो जाली बिछा रहता है उसमें सीधा जंप कर देते हैं और नेट में इस तरह से अप डाउन होने के बाद उनको चोट नहीं लगती। ये कुछ एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझाने से पहले आपको एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने डेली लाइफ में जो देखते हैं उसको उसके साथ कोरिलेट करिए। तो यदि वो स्विम करने वाला, झूला झूलने वाला यदि ठोस धरातल पर, यदि कठोर सतह पर कूद जाए तो हाथ पैर टूट जाएंगे, हो सकता है वो मर भी जाए, लेकिन जब वो नेट में जंप करता है, जाली में कूदता है, तो उसको कुछ नहीं होता। या आपने देखा होगा कांच का या चीनी मिट्टी का हमारे पास कोई बर्तन हो, कप हो, उसको हम ठोस धरातल पर टाइल्स के ऊपर गिरा दें तो टूट जाता है, लेकिन उसी को हम यदि बिस्तर में, गद्दे पर गिरा दें या रेत में गिरा दें तो नहीं टूटता। इन एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि किस तरह का डिफरेंस है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं किसकी सहायता से? आवेग की सहायता से। तो आवेग क्या है? एक तरह से एक बल है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं जे से, और जे इक्वल टू होता है एफ इंटू डेल टी। तो एफ क्या है यहाँ पर? एफ बल है जो उस पिंड पर लग रहा है, और ये क्या है? समय अंतराल। डेल लगा है मतलब समय अंतराल जो कि बहुत अल्प होता है, और ये है क्या? आवेग। तो आवेग बराबर होता है किसी पिंड पर लगाया गया बल और उसके समय अंतराल के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहां पर आप देखो कि ये जो आवेग है वो कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है किस पर? टाइम पर डिपेंड कर रहा है, कि ये जो समय अंतराल है वो जितना कम होगा, ये जितना ही कम होगा तो जे का मान भी उतना ही ये भी कम होगा। यदि इसका मान कम हो तो जे का मान भी कम होगा, बल तो कांस्टेंट है मान लो अपने पास, तो इस तरह से इसका मान कम होगा। या हम इसको इस तरह से भी समझें, इसको मैं पक्षांतर कर दूं, दैट इंप्लाइज एफ इक्वल टू हो जाएगा जे अपॉन डेल टी। इस तरह पर हम समझ सकते हैं, तो एफ इक्वल टू जे अपॉन डेल टी भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये कंप्लीटली डेल टी पर डिपेंड करता है जे, या यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वहीं से आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि किसी पिंड पर जो आवेग होगा वह बल यदि नियत हो तो किस पर डिपेंड करेगा? समय पर डिपेंड करेगा। समय जितना कम होगा आवेग उतना ही कम होगा, क्लियर? या प्रतिक्रिया बल के बारे में बात करें, थोड़ा सा आप बल और आवेग के बीच के रिलेशन को समझना। जैसे मैंने एक रिलेशन जो चलो उसको लिखता हूँ फिर एक बार, जो रिलेशन मैंने लिखा था एफ इक्वल टू हो जाएगा जे अपॉन डेल टी, यहाँ से आपको एक्सप्लेन करूँ मान लो मैं, तो यहाँ पर बल के साथ में देखो डेल टी का जे के साथ में समानुपातिक संबंध है क्योंकि दोनों अंश में है, लेकिन यहाँ पर ये जो डेल टी है इसका बल के साथ में व्युत्क्रमानुपातिक संबंध है क्योंकि ये हर में है ये अंश में है, तो यहाँ इसका व्यवहार
बदल जाएगा। डेल टी जितना कम होगा उतना ही क्या होगा, एफ अधिक होगा। ये मैं कम और अधिक के रिलेशन को आपको रेड इंक से लिखा, अब मैं ब्लू इंक से इसी को लिख देता हूं कि डेल टी का मान जितना अधिक होगा उतना ही एफ का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दोनों में व्युत्क्रमानुपातिक संबंध है। आगे बात समझे, यहां पर आपको डिस्कस करना जरूरी है, तभी ये पूरे एग्जांपल जो मैं बता रहा हूं आपको समझ में आएगा। अब क्या होता है, सपोज क्रिकेट का खिलाड़ी बाल को कैच करके सीधा वहीं पर हाथ में रेस्ट कर देता है, मतलब उसको हाथ को पीछे ही ले जाता है, तो पिंड को स्थिर अवस्था में आने में, मतलब हमने उसको सडन रोक दिए तो पिंड को स्थिर अवस्था में आने में बहुत कम समय लगेगा। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर समय को बहुत कम कर दिया, उसको रोकने के समय को बहुत कम कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या कि बल का मान अधिक हो जाएगा, मतलब वह पिंड हमारे हथेली पर हमारे हाथ पर अधिक बल लगाएगा, और नेचुरली जब वो अधिक बल लगाएगा तो हमको चोट लगेगी। वैसे ही सर्कस में झूला झूलने वाला यदि सीधा ठोस धरातल पर जंप कर दे तो सीधा जमीन पर आते ही रुक जाएगा, और रुकेगा तो उस पर जो प्रतिक्रिया बल लगेगा वो बहुत अधिक लगेगा, जिसके कारण उसको चोट लगेगी। लेकिन वही आदमी यदि नेट में जंप करता है, जाल में जंप करता है, तो जाल धीरे 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 अंदर जाता है, उसको नीचे लेके जाता है, मतलब टी का मान बहुत अधिक हो जाता है तो बल उसमें कम लगता है। कोई कांच का या चीनी मिट्टी का हमारे पास बर्तन है, उसको यदि हम ठोस धरातल में गिरा दें, कठोर धरातल में गिरा दें, तो तुरंत रुक जाएगा, समय कम होगा, बल अधिक लगेगा, टूट जाएगा। लेकिन उसी को यदि हम गद्दे में गिरा दें, तो गद्दे में जब वो गिरेगा या फोम में गिरेगा तो उसमें गिरते ही वो रुकेगा नहीं, थोड़ा अंदर धंसेगा, अंदर धंसेगा तो अधिक समय लेगा, रुकने में अधिक समय लेगा, रुकने में अधिक समय लेगा तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ ऐसा संबंध है। क्लियर, ये तो समझ गए होंगे आप, मैं इसीलिए अलग अलग इंक के कलर से लिख रहा हूँ, इसके साथ ऐसा संबंध होगा। ये हुआ आवेग का कांसेप्ट। तो आवेग एक छोटा सा कांसेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारे दैनिक जीवन में हम जो कुछ भी इस तरह से देखते हैं, बल लगने के दौरान जो समय के अंतराल में जो बल लगता है वही आवेग है। तो आवेग की परिभाषा क्या है, किसी पिंड पर लगने वाला बल और समय अंतराल के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम ये देखें कि आवेग और संवेग में संबंध क्या होता है। आवेग संवेग में संबंध, जिसको आवेग संवेग प्रमेय भी कह सकते हैं, मोमेंटम इंपल्स थ्योरम, आवेग संवेग प्रमेय, दोनों में क्या संबंध है ये हम देखते हैं। देखिए इस पर न्यूमेरिकल्स, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन इस न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि कॉन्सेप्ट कितना यूज हो रहा है, कि कोई क्रिकेट का बैट्समैन यदि किसी बाल को सिक्स मारता है तो उसके बैट और बाल के बीच में जितना टक्कर के बीच जितना समय अंतराल होता है तो कितना बल लगता है। इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, खासकर क्रिकेट पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए। तो आवेग और संवेग में हम प्रमेय देखें, तो सबसे पहले अभी तो हमने आवेग पढ़ा है, तो आवेग को हम लिख दें जे इक्वल टू एफ इंटू डेल टी, ये हम जानते हैं। तथा हम संवेग के बारे में क्या जानते हैं, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, न्यूटन के नियम से हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है। तो एफ प्रोपोर्शनल को हम इक्वल में चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट के यूनिट ले लिए तो एफ इक्वल टू होता है संवेग परिवर्तन की दर, मतलब डेल पी अपॉन डेल टी। डेल लगाने का मतलब है परिवर्तन हो रहा है। फिजिक्स के सिंबल को आप थोड़ा ध्यान से समझते जाना, क्योंकि आप लोग 10th से भी 11th में आए हो तो आप लोग को स्टार्टिंग में फिजिक्स के पूरे लैंग्वेज को समझना पड़े। 10th क्लास तक फिजिक्स का उतना स्टैंडर्ड नहीं होता, 11th में शुरू दो चार चैप्टर में आप समझना है। डेल मतलब उसका स्मॉल पार्ट या परिवर्तनशील वैल्यू, जिसका मान बदल रहा हो। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज यहाँ से हम यदि देखें तो यहाँ से एफ का वैल्यू ये निकाल लिए, डेल पी का वैल्यू यदि मैं निकालना चाहूँ तो डेल पी इक्वल टू इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो एफ इंटू क्या आ जाएगा, ये डेल टी हो जाएगा। ये रिलेशन नंबर फर्स्ट, रिलेशन नंबर सेकंड। अब आप यहाँ पर देख रहे हो
कि इसके भी दाएं पक्ष में f इंटू डेल टी है, इसके भी दाएं पक्ष में f इंटू डेल टी है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एक तथा दो से, एक तथा दो से हम इसका कंपेयर करें तो आप देख रहे हो कि जो j है वो क्या होता है डेल पी के बराबर होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है, ये छोटा सा रिलेशन है लेकिन न्यूमेरिकल से इसमें बहुत से क्वेश्चन है। इसको हम शब्दों में क्या कहेंगे कि किसी भी पिंड का जो आवेग होता है वह संवेग परिवर्तन, दर नहीं ना, यहाँ समय का भाग नहीं हो रहा, ध्यान रखना, संवेग परिवर्तन की दर नहीं बोल देना, आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग जो होता है वह संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, क्लियर। तो यह कहलाता है आवेग संवेग प्रमेय या आवेग संवेग में संबंध। आप हमेशा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना कि किसी भी पिंड का जो आवेग है, यहां पर मैथमेटिकली क्या कहता है कि किसी भी पिंड का आवेग उस पर बल, पिंड पर बल और समय अंतराल के गुणनफल के बराबर होता है। किंतु यदि हमको संवेग परिवर्तन यदि पता हो, जैसे किसी न्यूमेरिकल में आपको आवेग की गणना करने के लिए बोले और समय ना दिया हो, तो आप क्या निकालोगे, संवेग में परिवर्तन निकालोगे, और संवेग परिवर्तन निकालने के बाद लास्ट में आंसर में लिख दोगे कि यही क्या है, आवेग है, क्योंकि हम जानते हैं संवेग परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, क्लियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। अब देखो हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ते हैं वो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत बहुत डिटेल में पढ़ना है अपने को। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण का मतलब आपको पता है, फिजिक्स में कहीं पर भी यदि संरक्षण शब्द का यूज होता है उसका सीधा मतलब होता है कि उसके मान को नियत रखा जाता है। दैट मीन्स उसके मान में ना हम कमी करते ना वृद्धि करते, यदि वो कांस्टेंट बना हुआ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत का जो कथन है, जो स्टेटमेंट है उसका, वो क्या है, देखिए संवेग संरक्षण सिद्धांत का कथन है कि यदि किसी पिंड पर लगाया गया बाह्य बल, इसको आप शब्दों में लिख लोगे, यदि f क्या हो, शून्य हो, तो उस पिंड का जो संवेग है वो क्या होता है, नियत होता है, दैट मीन्स कांस्टेंट होता है। यदि तो कंडीशन को ध्यान में रखना, यदि उस पर लगाया गया बल क्या हो, शून्य हो, तो पिंड का संवेग नियत होता है। दैट मीन्स यदि किसी पिंड पर लगाया गया बाह्य बल जो हम बाहर से लगाते हैं वो शून्य हो, मतलब उसमें हम कोई बाह्य बल ना लगा रहे हो, तो उस गतिशील पिंड का जो संवेग है वो नियत रहता है। इसको आप प्रैक्टिकली समझे तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई पिंड गतिशील है, अब यदि उसमें बाह्य बल आप नहीं लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो उसके वेग में परिवर्तन होगा ही नहीं, और जब वेग में परिवर्तन होगा नहीं तो संवेग क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन के लिए तो आपको बल लगाना पड़ेगा ना। यदि कोई पिन 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, उसको आप 30 करना चाहते हो तो बल तो लगाना पड़ेगा। लेकिन संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि किसी पिंड पर लगाया गया बाह्य बल शून्य हो तो उस पिंड का संवेग क्या होता है, सदैव नियत होता है, क्लियर। ये कहलाता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ, यह तो सिद्धांत हो गया, अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ इसको हम एक कर्णिकाय, दो कर्णिकाय, एन कर्णिकाय, इस तरह से पार्ट पार्ट में कर सकते हैं। सबसे पहले एक कर्णिकाय के लिए, एक कर्णिकाय का मतलब हुआ कि हमारे पास क्या है, एक सिंगल पार्टिकल है, एक सिंगल बॉडी है या एक सिंगल पार्टिकल है। तो इस एक कर्णिकाय के लिए यदि हम इसको करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, देखो चूंकि न्यूटन के नियम से हम जानते हैं, न्यूटन्स के नियम से क्या जानते हैं कि F इक्वल टू dp/dt, ये कैलकुलस के लैंग्वेज में मैं आपको समझाया था, ठीक है, इसीलिए दोनों तरीके से आपको बताया। देखो कैलकुलस यूज करोगे फिजिक्स में तो काम आसान हो जाता है। संवेग परिवर्तन की दर
लगाए गए बल के समानुपाती होता है। लेकिन कांस्टेंट को हम इकाई मान लें तो हम F इक्वल टू dP by dt लिख सकते हैं। परंतु अपने को पता है कि बट F इक्वल टू जीरो, अभी हम कथन में कह रहे हैं कि बल क्या हो, जीरो हो, तो therefore F इक्वल टू जीरो है, तो यह हो जाएगा dP अपॉन dt इक्वल टू जीरो। और हम कैलकुलस के कांसेप्ट से जानते हैं, कैलकुलस से हम जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वही जीरो होता है। देखिए यदि आप लोग को कैलकुलस में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 10th के बाद आप सीधा 11th में हैं, चाहे आप मैथ्स वाले हों चाहे आप बायो वाले हों, आपने कैलकुलस नहीं पढ़ा है फिजिक्स में, इसलिए मैंने आपको हर बार मैक्सिमम वीडियो में मैं याद दिलाता हूँ कि मेरे बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट करके वीडियो हैं, जो कि कई स्टूडेंट्स लोग मेरे को कमेंट्स में लिखते हैं कि सर वो इंग्लिश में है, और मैथमेटिक्स है उसका कुछ इंग्लिश नहीं, वहाँ पर तो मैं आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना सिखाया हूँ, अवकलन समाकलन, बस मैंने उसमें टर्मिनोलॉजी हिंदी में यूज़ नहीं किया, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर। या फ्यूचर में मेरे पास यदि टाइम रहे तो मैं उसको फिर से बनाने का कोशिश करूँगा हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली, तो वहाँ पर आप ध्यान देना, उसको आप देखो, नहीं तो आपको कैलकुलस यदि पुअर रहेगा तो फिजिक्स में बहुत परेशानी होगी। इसलिए बार बार मेरा आपको सजेशन है कि आप सभी स्टूडेंट्स बेसिक मैथमेटिकल टूल्स या बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट करके 5 वीडियो हैं मेरे, जो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा अलग से, वहाँ 1x1 सबको देखिए आप, ठीक है। तो dP by dt वहाँ पर मैंने समझाया है कि हर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो dP by dt जीरो हो रहा है, ये क्या बात को प्रूफ करता है कि P क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर प्रूफ हो गया कि P क्या है, कांस्टेंट है। किस कांसेप्ट से, कि किसी भी वैल्यू का, किसी भी राशि का यदि अवकलन शून्य हो रहा है तो वह निश्चित रूप से क्या होता है, कांस्टेंट, क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का अवकलन ही क्या होता है, शून्य। तो ये हम कैलकुलस के लैंग्वेज में बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। यह है एक कर्णिकाय, अब सपोज हमारे पास दो कर्णिकाय हो, दो कर्णिकाय का मतलब यहां पर यह है कि कोई सिस्टम हो जिसमें दो कण एक साथ काम कर रहे हो, तो बिल्कुल ऐसी प्रूफ हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। देखिए सपोज एक कण का संवेग P1 है, दूसरे कण का संवेग P2 है, दोनों कंबाइंड बॉडी है, तो यहां पर हम यदि न्यूटन के नियम को लगाएं तो न्यूटन्स लॉ से, न्यूटन के नियम से क्या हो जाएगा, ये F इक्वल टू dV/dt आप P1 प्लस P2, क्योंकि यहाँ पर दो कर्णिकाएँ हैं। अब चूंकि यहाँ पर दो कर्णिकाएँ हैं तो P1 प्लस P2 लिख दिए, दैट इम्प्लाइज अब हमको पता है कि यदि F क्या हो, जीरो हो, समय संरक्षण के सिद्धांत से यदि उस पर लगाए गए बाह्य बल क्या हो, शून्य हो, तो उस कंडीशन में हम इसको शून्य कर देंगे तो हो जाएगा dV/dt आप P1 प्लस P2 इक्वल टू जीरो। अब P1 प्लस 2 का अवकलन शून्य हो रहा है तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, P1 प्लस P2 इक्वल टू कांस्टेंट, या हम नियत लिख सकते हैं। दो कण निकाय के लिए कुछ नहीं, जैसे एक कण के लिए था वैसे दो के लिए, ऐसी n कण के लिए भी सत्य होता है, उसको भी थोड़ा आपको मैं लिख के बता दूं। यदि आपको लिखना है n कण निकाय के लिए, सपोज हमको बताना है n कण निकाय के लिए, तो यहाँ पर देखो, मान लो पहले कण का संवेग P1 है, दूसरे का P2 है, तीसरे का P3 है, एंड सो ऑन, ऐसे हमारे पास n कण हैं और इनके संवेग इस तरह से हैं, तो यहाँ पर भी हम सीधा लिखेंगे न्यूटन के नियम से, न्यूटन्स के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू dV/dt आप क्या लिखना है, सबको वैल्यू अपन लिखेंगे, ठीक है, कितने संवेग अपने पास, P1 है, P2 है, एंड सो ऑन, कहाँ तक है, Pn है। अब यदि क्या हो, लगाए गए बाह्य बल क्या हो, शून्य हो, तो उस कंडीशन में dV/dt P1 प्लस P2 प्लस एंड सो ऑन Pn इक्वल टू जीरो। और देखो इतनी राशि का डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है, मतलब सब के सब क्या है, वो कांस्टेंट है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, P1 प्लस P2 प्लस एंड सो ऑन Pn इक्वल टू कांस्टेंट। ये है संवेग संरक्षण के सिद्धांत का 3 पार्ट, एक कर्णिकाय, दो कर्णिकाय, n कर्ण। देखो मैं कैलकुलस से पढ़ा रहा हूँ
तो ये आपको आसान लगा होगा। ये एलजेब्रिक लैंग्वेज में बहुत से राइटर इसको बहुत लेंदी क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स लोग मेरे जब कैलकुलेशन को मेरे चैनल पर मेरे वीडियो पर देखते होंगे तो कई लोग को लगता होगा कि अरे हमारे बुक में बहुत लेंदी है सर, तो छोटा सा बता दिए। ऐसा नहीं है, यदि आप फिजिक्स के कैलकुलेशन में मैथमेटिक्स को चेंज करेंगे, कोई एलजेब्रा से कर रहा है, कोई कैलकुलस से कर रहा है, कोई कुछ यूज है, तो उसमें स्टेप्स कम ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, मैंने बहुत से राइटर्स के बुक को स्टडी किया है, तो जो मुझे ईजी और सुटेबल लगता है वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो ये आप ध्यान रखना, उसमें कोई कन्फ्यूज़न का बात नहीं है, ये हम कैलकुलस से आसानी से इसको इसी के अलजेब्रा में लिखने से सबको लिखना पड़ता है, पहले कण का संवेग, दूसरे कण का संवेग, तीसरे कण का संवेग, फिर सबको जोड़ो, फिर ट्रांसफ़र करो, ऐसा है। कैलकुलस में एक लाइन में हम बता सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि किसी नियतांक का अवकलन ही शून्य होता है, तो ये नियतांक हो जाएगा क्योंकि उसका अवकलन क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। क्लियर, ये है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब हम संवेग संरक्षण के सिद्धांत से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत का हमारे डेली लाइफ में क्या एग्जाम्पल है। तो देखिए, एग्जाम्पल तो इसके इतने इम्पॉर्टेंट है कि पूछिए मत, इतना बड़ा इससे हम वर्क करते हैं, रॉकेट नोदन करते हैं, लेकिन रॉकेट नोदन का कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, तो आज के इस वीडियो में मैं एक साथ उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ताकि 11th के स्टूडेंट हो, मैं एक बहुत सारा कंटेंट नहीं देना चाहता। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कम्प्लीटली एक वीडियो आपको रॉकेट प्रोपल्शन पर रखूंगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ रॉकेट नोदन नहीं बताना चाहता, मैं पूरे रॉकेट के सिस्टम को बताना चाहता हूँ आपको। तो आप लोग पहले से रेडी रहिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए कि मैं उसमें आपको रॉकेट का मैं पूरा टेक्नोलॉजी बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि मेरा बहुत पसंदीदा एडमिट टॉपिक है वो, कि कैसे रॉकेट के अलग अलग स्टेज बनाते हैं, कैसे लॉन्च करते हैं और कैसे उसको ऑर्बिटल में सेट करते हैं, क्योंकि आगे चल के हमको उपग्रहों की गति भी पढ़ना है। तो रॉकेट यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहेगा तभी आप उपग्रहों की गति को समझेंगे, क्योंकि रॉकेट से ही रिलेटेड है सैटेलाइट। क्लियर, तो मैं वो वाला एप्लीकेशन अलग से वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको, आज इसके कुछ छोटे छोटे एप्लीकेशन अनुप्रयोग हैं उनको मैं आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, तो उसके छोटे एप्लीकेशन में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ये जो गन होता है, गन में रिकॉइल वेलोसिटी होता है। गन क्या है, गन चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। ठीक है, और नाव से हम जंप करते हैं तो नाव क्या है, पीछे की ओर चला जाता है। ये कुछ एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, प्रतिक्षिप्त वेग बोलते हैं बंदूक का, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, समय संरक्षण सिद्धांत के उपयोग, मैं केवल उपयोग लिख देता हूं, या उदाहरण कह सकते हैं अपन समय संरक्षण सिद्धांत के उपयोग। तो पहला अपन पढ़ रहे हैं बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग, बहुत कठिन शब्द है ये, हिंदी में बहुत कठिन है, प्रतिक्षिप्त वेग, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिकॉइल वेलोसिटी, ये ज्यादा आसान है, ऑफ गन, गन का रिकॉइल वेलोसिटी, प्रतिक्षिप्त वेग। आपने ये बात तो सुना होगा कि बंदूक चलाने वाले को, गन चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, और इसीलिए आपने कभी छोटे क्लास में ये कारण बताओ पढ़ा होगा कि बंदूक का पीछे का हिस्सा वजनी बनाया जाता है, क्यों, भारी बनाया जाता है, यदि हम उसको हल्का बनाएं तो क्या होगा, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग किस प्रकार से होता है, सपोज यहाँ पर एक गन की कल्पना करो, ये मान लो एक गन है। ठीक है, गन जैसा तो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन इसको इमेजिन कर लो कि एक गन है ये। ठीक है, ये गन का पीछे का हिस्सा है, ये इसका आगे का पाइप है। अब इस गन में ये बुलेट है, गोली है, रेड कलर की गोली है जिसको बाहर निकलना है ये। अब इस गोली का वेग है स्मॉल भी, और इसके जो पीछे धक्का जो लगेगा इस पर गन चलाने से, न्यूटन थर्ड लॉ से, क्योंकि क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो इसका द्रव्यमान, इसका मान लो पीछे जाने का जो वेग है वो कैपिटल भी है, जो कि प्रतिक्षिप्त वेग है, पीछे जाने का वेग, यही रिकॉइल वेलोसिटी है। गन का द्रव्यमान मान लो कैपिटल एम है, और बंदूक का द्रव्यमान मान लो स्मॉल एम है, ये आप ध्यान रखना। क्या क्या मैंने माना, गन का द्रव्यमान, पूरे गन का द्रव्यमान कैपिटल एम, और एक गोली का, बुलेट का द्रव्यमान स्मॉल एम। गोली जितने वेग से आगे निकलेगा उसका वेग भी, और जितना पीछे गन में
वेग लगेगा, पीछे झटका लगेगा, वो भी है। तो यहाँ से हम जानते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या आ जाएगा। इसलिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत से बंदूक का संवेग धन गोली का संवेग बराबर शून्य होगा, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये क्या होगा, नियत होगा, जितना संवेग उसका होगा उतना संवेग उसका होगा। दैट इम्प्लाइज आगे हम इसको सॉल्व कर लें तो एम वी इक्वल टू इधर जाकर हो जाएगा माइनस एम वी, दैट इम्प्लाइज यहाँ वी बराबर माइनस एम वी अपॉन कैपिटल एम। ये फार्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो ये जो वी निकला है कैपिटल वी, वो क्या है, प्रतिक्षिप्त वेग है। अब यहाँ पर माइनस साइन ये बताता है, साइन ये बताता है कि उसको धक्का पीछे लगेगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, देखो कि ये जो अपान बटे में जो भाग हो रहा है वो बंदूक का क्या है, द्रव्यमान है। बंदूक का द्रव्यमान है कैपिटल एम। अब यहाँ पर आप देखो कि बंदूक का द्रव्यमान को जितना अधिक रखेंगे, मतलब बंदूक को जितना भारी बनाएंगे, तो पीछे लगने वाला जो वेग है वो उतना ही कम होगा, क्योंकि दोनों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो जैसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बंदूक या गन को भारी क्यों बनाते हैं, या उसके पीछे के हिस्सा को भारी क्यों बनाते हैं, तो उसका कारण क्या है, क्योंकि उसके पीछे के हिस्से को भारी बनाने पर जो प्रतिक्षिप्त वेग है जो पीछे की ओर लगता है वो कम से कम होगा। क्लियर। यदि हम इसको कम वजन का बना दें तो जितने जितने रफ्तार से आगे बुलेट जाता है उतने रफ्तार से आदमी पीछे जाएगा, इसलिए उसको भारी बनाते हैं। दूसरा इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, वो है नाव का एग्जाम्पल। नाव से जब हम जंप करते हैं, ठीक है, आपने रिवर में कहीं देखा होगा, नदी में देखा होगा कि सपोज ये कोई नदी पर है और यहाँ पर कोई नाव है इस तरह से। अब इस नाव से यदि कोई आदमी पीछे इसमें से जंप करना चाहे, बाहर जंप करना चाहे, तो आपने देखा होगा या छोटे छोटे बोट में कभी आप कहीं टूरिस्ट प्लेस में बोटिंग वगैरह किया होगा, तो जैसे ही हम क्या है बाहर जाने के लिए, नाव से उतरने के लिए जैसे ही जंप करना चाहते हैं तो हम जंप नहीं कर पाते, नाव पीछे तक चला जाता है। इसका कारण क्या है कि यह जो व्यक्ति है सपोज ये पीछे जंप करना चाहता है, तो इसके प्रतिक्रिया बल के कारण क्या होता है, यह रिएक्शन फोर्स है जिसके कारण वो नाव पीछे चला जाता है। इसीलिए इसको बोट में इनको पकड़ के रखना पड़ता है या रस्सी से बांध कर रखना पड़ता है, तभी हम बाहर जंप कर पाते हैं। तो ये भी संवेग संरक्षण के नियम का एग्जाम्पल है। क्लियर। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, इसमें वो है इसका जो एप्लीकेशन है रॉकेट नोदन, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर न्यूटन के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो हम संवेग संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर प्रूफ कर सकते हैं। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, देखिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत के पर न्यूटन के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति, क्योंकि न्यूटन के तृतीय नियम का कोई प्रूफ नहीं है, उन्होंने सीधा कह दिया था कि क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, कोई गणितीय गणना नहीं है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। ये हमारा टॉपिक का हेडिंग है संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर न्यूटन के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति भी कह सकते हैं या की व्याख्या, व्युत्पत्ति मतलब उसको प्रूफ करना। यह देख लीजिए बड़ा सा हेडिंग है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर न्यूटन के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति। देखो हमको मालूम है संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, दो कण निकाय के लिए हम ले लें तो सपोज एक कण का संवेग पी वन है, संवेग परिवर्तन, और दूसरे कण का मान लो पी टू है, परिवर्तन है, इसलिए मैंने उसको डेल लिखा, तो ये क्या होगा, जीरो होगा। किसी निकाय का संवेग क्या होगा, जीरो होगा। दैट इम्प्लाइज इसको आगे हम सॉल्व कर दें तो हो जाएगा डेल पी वन इक्वल टू माइनस डेल पी टू। दैट इम्प्लाइज इसमें दोनों तरफ हम डेल टी का भाग दे दें तो यह हो जाएगा डेल पी वन अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस डेल पी टू अपॉन डेल टी। अब यहाँ पर दो कण निकाय है, इसको हम संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, संवेग परिवर्तन की दर
लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से हम इसको क्या लिख सकते हैं, F12, मतलब पहले पिंड पर, पहले पिंड के द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल। तो P2 क्या कहलाएगा, माइनस F21, और यही क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम। तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत को लेके न्यूटन के द्वितीय नियम की सहायता से हम न्यूटन के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। मतलब बहुत छोटा सा दो लाइन का टॉपिक है और कुछ नहीं है। तो ये है आज के क्लास में, मैं आपको आवेग संवेग और आवेग संवेग से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बताया, और ये इसके कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएंगे, ध्यान रखना इसको, बहुत ईजी और छोटा टॉपिक नहीं समझना। ये सब आप तैयार करिए, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कम्प्लीटली दो टॉपिक पढ़ाऊंगा। आप पहले से आपको बता देता हूँ, एक तो पढ़ाऊंगा रॉकेट नोदन, रॉकेट की पूरी डिटेल जानकारी, और दूसरा लिफ्ट पर किसी पिंड का भार। ये दोनों कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और पूरे इस चैप्टर के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके।